दिल्ली में नेत्रम आई फाउंडेशन ने असहाय लोगों की सहायता के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। दिल्ली की साउथ ईस्ट जिले की माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरलीन कौर ने नेत्रम आई फाउंडेशन की चश्मा बस का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनोचिकित्सक डॉक्टर रोहित गर्ग और सीआर पार्क के एसएचओ वेद प्रकाश भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेत्रम परिवार के संस्थापक डॉक्टर अचल गुप्ता, कोषाध्यक्ष सतन शर्मा समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। चश्मा बस असहाय लोगों को घर घर जाकर अपनी सेवाएं देंगी। इस मौके पर अचल गुप्ता ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी मदद से लोगों की घर घर जाकर सेवा की जा सकेगी। इससे गरीब असहाय लोगों की आंखों को उनकी देखभाल करने के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। नेत्रम आई फाउंडेशन ने बताया है कि ये इस अपने जो प्रयास है इसे वो अब निरंतर जारी रखेंगे। तो हमें बहुत खुशी है कि इस तरह की एक मोबाइल वैन की सुविधा, जैसे ये चश्मा वैन कह रहे हैं, ये लोगों के घर तक जाकर के उनका जो प्रीलिमिनरी चेकअप है उसे करवा सकती है और उन्हें एक हम कहेंगे डायग्नोस्टिक बेसिस के ऊपर एडवाइस कर सकती है कि उन्हें अगर कोई इंटरवेंशन लेने की जरूरत है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो इनका प्रयास इस समय पे हो रहा है जहाँ पे कोविड की समस्या के कारण लोग घरों से निकलने से बच रहे थे, वहाँ पर आंखों की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए अगर ऐसी वैन ही उनके घरों तक चली जाती है। ध्यान रखें कि जब तक हमारे आने वाले समय में जब दवाई आ जाएगी कोविड की, तब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तो बचाव ही उनके लिए एकमात्र उपाय है। चश्मा बस एक ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर आंखों की जांच का सारा सामान है, कंप्यूटराइज द्वारा आंखों के चश्मे का नकल, एक LED स्क्रीन जिससे एग्जैक्ट जांच हो सके, ऑटोरेफ नाम की मशीन जो कि मोतियाबिंद, काला मोतिया या पर्दी की बीमारियों का सही जांच कर सके, ये सब कुछ संलग्न है। और हर दिन ये 10 से लेकर 6 बजे तक अलग अलग इलाकों में जाया करेगी, तो ये बस उन मरीजों को अस्पताल तक आने का जरिया दिखाएगी। फ्यूचर में हम लोग इसको बड़ी बस में कन्वर्ट करेंगे ताकि मरीज उस बस में बैठ के अस्पताल तक आ भी सके। तो नेत्रम आई फाउंडेशन के दो बहुत ही फिक्स विजन है, रीचिंग द अनरीचेबल, जो हम तक पहुंच ना पाए उस तक हम पहुंचेंगे।